ये सब कुछ अलग अलग दे चेक करके देखो मन तो पियर पड़ेंगे नु फिक्की पाओगे नु गड़ा सी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। बाकी आप सभी ठीक होंगे। तो अभी सुबह के बजे हैं 4 और हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार। सर्दी हवे और सारा प्लेटफॉर्म जो पैड रखा है दूर लग। ओए खतिका, राम राम, राम राम, सवेरे की राम राम भाई, सवेरे की 4:15 बजेगी राम राम। लड्डा हो रहा है भाई साहब, बहर ना ही होता मेरा ही गुजरनी बड़े रही हो उस है जदे तो कहूं मैं सारे साधन सुनने हैं। गोल गोल घुमांगे भाई, बैठ रखे हो। अच्छा अर्थ की काय उड़ा हुआ है तो आपको दिखाता हूँ थोड़ा नजारा। ये भाई अभी सीढ़िया है हमारे खतिका, बोल दे सवेरे की राम राम है। राम राम भाई सारे ने, राम राम भाई सारे ने। तो पहुंच गए यहाँ कोटद्वार जड्डा। इतने पूरा जड्डा भाई बर्फ पड़ा हुआ है। ये भाई यहाँ का बस स्टैंड। अरे आगे से हट जा, गाड़ी आएगी। तो अभी देखते हैं कौन सी है, देख पहले। तो अभी चाय बोल दिया, सुबह सुबह चाय लेते हैं। क्या बात है, डाटा हो रहा तो रहा है चाय पराठा गड्ढा। यो हरियाणा वाला महाराज। बाकी चाय आ चुकी, टेस्ट करके देखी है। 10 में से 2 नंबर है मेरी मेरी ओर से, तो है 10 में से 2। यार सब कुछ अलग अलग दे चेक करके देखो। मन तो पियर पड़ेंगे नु फिक्की पाओगे नु गड़ा सी रही ना। अलग ही है यार, ये तो घनी अलग है। मीठी है, सही है, गड़ा सी रही, अदरक ज्यादा। चलो जैसी भी है अच्छी है। सुबह की चाय तो मिल गई, काम करा क्या देख ले तू है। सोचा ले नहीं नांगली करके रोड ताला मार रहे हमारे बेटे। आदमी दबी मरदा होता हो थैंक यू सो मच। बाकी अपनी बस स्टार्ट हो चुकी है, अभी बाहर खड़ा करेगा इसको और फिर लेके जाएगा हमें। गर्म होगी थोड़ी, ठंड में बर्फ पड़ रही है देख। तो आप हमारे साथ बने रहे ठीक है। रविंद्रम स्वाहा, बहुत जय सिया राम, नूनू नूनू चालांगे यार। बाकी बस में कर दिया अंधेरा भाई ना, और मैं आपने दिखाऊं थोड़ा व्यू देखिए। हाथी का अंधेरा कर दिया। किसकी है, जगदीश की। मैं आपको आगे आगे का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये भाई मैंने बजा के लिया है पाड़ा में। ये बात लगा हो भाई, ये बजा के लिया है मैंने पाड़ा में। गलत बात है भाई तेरी, मांगे राम गलत बात का सीरीज है ही कोई नहीं। चलो बाकी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, शायद थोड़ा कुछ दिखेगा। तो बिल्कुल अंधेरा कर रखा भाई ने। तो क्या व्यू यार, अमेजिंग। तो अभी 10 मिनट का रेस्ट टाइम मिला हमें,
अभी फिर से चलेंगे और मैं दिखाता हूँ आपको सामने का व्यू। ये देखो पहाड़ियाँ, मेरा फोन तो गया डेड। आप व्यू देखो क्या बात, हमारे पैर अपने आप चालू लाए रविंदर या। दिखा दिया उन्हें देख, क्योंकि बाजू में हो रहा है अपने आप बाजू है, मेरा नहीं कितनी दूर और है। एक और दिखाता हूँ आपको बैक का, ये 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 व्यू। बाकी एक बात है, एक बार का बस थोड़ी नहीं नोई और रोई रोई पलटी खाऊगी। चलो पहुंच तो गए, पहुंचे तो कड़ा हांग नहीं है, दूर है रविंद्रम तेरे के लगल ता भाई मैं ये देखो मैं पीछे क्या बात है, ये गौ माता यहाँ पे ओए वो और तू वो करे उसका शाहरुख खान वाला सीन कर दे तू ही, शाहरुख खान वाला सीन कर दे सेनोरिटा है। अरे उड़को ना कूद दू वो दे और रहा है यार उड़ जो उड़ अगर तू हानि करो तो फाइनली अपना काम हो चुका है यूनिवर्सिटी में और अभी हम जा रहे हैं फिर से यार। ट्रैवलिंग का बहुत झंझट होता है यार, क्योंकि 5 किलोमीटर का और 5 घंटे का, 5 किलोमीटर वाला 5 घंटे का सफर है, 5 घंटे का सफर भाई। और फिर से 5 किलोमीटर का याद है थे। हाँ तुम आपको अभी व्यू दिखाता हूँ कितना जबरदस्त है, रहने का मन कर रहा है इधर मेरा। ये देखो आप क्या व्यू है इधर का, व्यू जबरदस्त है यार, है ना। क्या बात रविंदर, बाकी रहने का मन कर रहा भाई। क्या बात है, कितको थे पूरे पूरे को रैली है रे, उड़ता है यहाँ पे सड़क पे थे पूरे को है चिकू के ही तोड़ देगा चिकू। तो यूनिवर्सिटी का अपना काम हो चुका है और अब जा रहे हैं हम नैनीताल के लिए, बाकी बोर हो चुके हैं भाई, है नहीं बोर चाल के बने बसाम होगी, बसाम होगी यार। अरे फिर बस आप व्यू देखो मेरे पीछे का, क्या जबरदस्त व्यू है यार, वाओ। तो आप पशुओं के लिए रहने का और वो सामने देखो क्या बात है यार, कितना जबरदस्त व्यू है। पूरे को आए थे ये देखो चारों ओर, 2 किलोमीटर का है पैदल। वो बंदा खुद बताओ था यार, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ व्यू एक और जबरदस्त लग रहा है। बैक साइड देखो मेरी, अमेजिंग है ना। ये देखो पेड़, ये ग्राम पंचायत आ गई एक और। दिखाता मैं, ये देखो अभी यहां पे आएगी अपनी बस, तो बस से चलेंगे हम को
कोट द्वार और वहां से हमें मिलेगी ट्रेन या बस, ट्रेन या बस मिलेगी वो पकड़ के फिर जाएंगे हम नैनीताल, वहां पे करेंगे फिर स्टे। लंबा टाइम है क्या? बाकी रहने का मजा है यार, ऊपर ऊपर चढ़ सका नहीं यहाँ पे माऊ जाना कितको पड़ेगा इसी साइड का। हाँ अंकल, मंदिर भी इधर दो, झटका डॉक्टर झटका। यहां से दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मंदिर है ये, और ये देखो आप और रविंद्र खड़ा। बाकी व्यू अमेजिंग है भाई, बट आपको एक प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा, हम तो थोड़ा काम आए थे यहाँ पे, बट आपके पास एक अच्छी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें किस टाइम पे कहाँ पे जाना है। बस शेड्यूल पता होना चाहिए आपको, क्योंकि बस यहाँ पे बहुत कम चलती है, एक ही बस है जिसका रूट सुबह 5 बजे है और जाते वक्त का उसका 12 बजे का है, तो हमें टाइम से आना पड़ा यहाँ पे। तो गाड़ियाँ भी कम चलती है इधर, चलो बाकी मिलते हैं आपसे। बाकी एक बात देखने को मिली यहाँ पे उत्तराखंड में, बिल्कुल आम जिंदगी है, मतलब ना कोई मॉल ना कोई मतलब ज्यादा बड़ा पार्क है, नहीं बंदे ये पार्क ही है, मतलब वो को नहीं, बंदा आराम था हैंड स्के, हर जगह लोकल जगह है, बिल्कुल लोकल, मतलब फैसिलिटी कुछ ज्यादा को नहीं है बट इतनी को नहीं जितनी होनी चाहिए, बट सुंदर जगह है भाई, दुनिया का एक सबसे बड़ा करिश्मा है, जदे सुंदरता बचरी है, जदे सुंदरता बचरी, यह बात भी ठीक है। उरे लोग आने लगे नहीं, कूड़ा कचरा करकट सब कुछ भगा देंगे, इतना भगा था वो डस्टबिन में डाल दिया था भाई, डस्टबिन में डाल दिया था, बंदा नो संस्कार ही हो, ठीक है। बाकी कभी भी कहीं पर घूमने जाओ नहीं तो स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं भाई, गंदगी हमारे वातावरण के लिए दूषित है, ठीक है। तो क्योंकि वातावरण को दूषित करते हैं पोलोथीन हो गई, अटबट जो अटबट नो तेरा 22, ठीक है। बाकी हमें हो रहे हैं बोर, मारी बस आने को लाई रही, ये बात पर रविंदर रही वहां तो नुता बस आवे ही नहीं, आवे ही नूरे बैठे रहो बस में यार दिमाग खराब है, दिमाग खराब हुआ बस में। एक बात तो थी पर रविंदर, ए मैं अपने बताऊंगा इस यहाँ सीधी है नहीं, एक बार कुल्ला बाती खाने ही बैंज पहुंच जाएगा बंदा, आप पे पहुंच जाएगा, जगह नहीं पहुंचा तो ऊपर जरूर पहुंच जाएगा। बाकी यहाँ से जाने का कोई मन नहीं करा मेरा, क्योंकि यार चीज इसी बना रखी भगवान ने यार, बिल्कुल जबरदस्त। बाकी खेती पता कैसे करते हैं, ऐसे खत्ते बनाते हैं और ऐसे करते हैं, भगवान के भरोसे चलती इनकी खेती। बाकी हमारी वो बस आ रही है उधर से, ये आ रही, क्या आवाज है, बस आ रही इधर से, आ गई इधर से, आ गई फिर इधर आई और इधर गई, फिर हम दोनों यहाँ से बैठेंगे। मैं भाई साहब ने एक बात बोलूंगा, मैं आराम तो ले ले भाई, घर वाला एक ही, हाँ भाई ना पूछी थी भाई ना,
के थक चुके हैं बिल्कुल, और अभी पहुंच से हम कोटा द्वार स्टेशन पे। 11:30 बजे की ट्रेन है, देखते हैं क्या कुछ प्रोसेस रहता है इधर का। तो अभी रुके थे होटल में और खाना खा लेते हैं। लंबा सफ़र हो गया था, ना खाना खाया था ना अच्छे से बैठे थे। वैसे अच्छी लोकेशन है इधर की भी। बाकी रविंदर गया एक बार बाहर पाता हुआ, बड़ी मुश्किल है भाई पहाड़ों में, बहुत ज़्यादा। तो अभी आ चुकी है अपनी ट्रेन, आनंद विहार।